Hello and welcome, dear students. Dear students, today we are going to explain the character sketch of Bishamber Nath, who is a character in the short story Bholi, written by JKBOSE. So, dear students, let's begin and explain the character sketch of Bishamber Nath. Bishamber Nath was a well-to-do grocer. Bishamber Nath jo tha, wo ek acha khasa ameer pansari tha. He had a shop and also a house of his own. Uske paas apna ghar tha aur ek dukaan bhi tha. He limped while walking. Wo langda kar chalta tha. It was said that he had a lot of wealth. Aur ye kaha jata tha ki uske paas bahut daulat thi. Bishamber Nath was a widower. Bishamber Nath jo tha wo beva tha kyunki उसकी जो पहली बीवी थी वो मर चुकी थी. He was about 50 years old. वो तकरीबन 50 साल की उम्र का था. He had grown up children from his first wife. और उनकी जो पहली बीवी थी उससे उनके जितने भी बच्चे थे वो जवान थे. He came with a proposal of marriage to Bholi and Bholi's parents accepted it. वो प्रपोजल लेके आया कि वो बोली से शादी करना चाहता है और बोली के पेरेंट्स ने उनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया. दे वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट बोलीज इंटरेस्टस. और बोलीज के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बोली की मर्जी की कोई फिक्र नहीं की. शी वॉज थॉट टू बी ए वेरी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. और वो ये सोच रहे थे कि बोली खुशकिस्मत है कि उनको ऐसा दुल्हा मिल रहा है जो कि अमीर है. बिशंबर नाथ डिड नॉट डिमांडेड एनी डाउरी टू मैरी बोली. बिशंबर नाथ ने शादी के वक्त किसी डाउरी की यानी जहेज की मांग नहीं की. बट एट द टाइम ऑफ मैरिज सीइंग अगली पॉक मार्क्स ऑन बोलीज फेस He starts demanding a big dowry. लेकिन शादी के दिन जब उसने पोक मार्क्स बोली के चेहरे पर देखे जो कि एक बीमारी से बोली के चेहरे पर आए थे तो उन्होंने डाउरी डिमांड की. रामलाल begged him not to humiliate him. रामलाल जो बोली का बाप था वो उसके पैर पड़ गया कि वो उसे शर्मंदा न करे. ही हाउ एवर हैंडेड हिम बंडल ऑफ नोट्स. लेकिन रामलाल ने एक नोटों की गठरी बिशंबर नाथ को दे दी. दिस ग्रीड मीन मेंटेलिटी एंड रूड बिहेवियर मेड बोली डिसाइड अगेंस्ट मैरिंग हिम. तो जब बोली ने बिशंबर नाथ का ये लालची व्यवहार देखा तो उन्होंने उसे शादी करने से मना किया. ही वॉज दस सर्वड राइट. और बिशंबर नाथ को ये सही नसीहत मिली. सो डियर स्टूडेंट्स, होप यू फाइंड दिस एक्सप्लेनेशन क्वाइट हेल्पफुल. सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट.